हेलो फ्रेंड्स, गिल्ली पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब कुछ एक एक्चुअली एक दो महीना हो चुका है, हमने गोलमाल 1 से एक सीन पे रिएक्शन दिया था। वो था कि जो ये जो ग्रुप है, जो धमाल चौकड़ी जो ग्रुप है इनका, चार लोग का, अजय देवगन, अरशद वारसी, सरमन जोशी और तुषार कपूर, हाँ। इनके जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, आईगेस प्रिंसिपल थे शायद, वो आए थे इनको शायद गलत एड्रेस या जो भी था एड्रेस, वो लोग जिसके घर पे थे, घर पे रहते थे, उनको इनवाइट करने के लिए आए थे, चीफ गेस्ट बनाने के लिए तो वो नहीं थे, ये लोग बन के और तो उनको मालूम नहीं था वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वो जय सीन जबरदस्त था दोस्तों, जो उसमें अजय देवगन और अरशद वारसी जो तो ब्लैक का एक्टिंग किया वो अच्छा था। उसके उससे जस्ट पहले वो सरमन जैसे बहुत अच्छा किए, और दर्जा खोलने में पीछे मुड़ता ना, शकल नहीं दिखाता है, फिर होते होते पार भी हो जाता है, वो बड़ी मजा आता है वो सीन। बेचारा वो जो प्रिंसिपल को थप्पड़ पे थप्पड़ मिलता है, और बहुत मजा आया था दोस्तों वो सीन देखने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारा चैनल पे जरूर जाके देखिए, वो कॉमेडी सीन आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वही मूवी से गोलमाल 1 से एक और हमने सीन पिक किया है। इसमें एक और एक्चुअली हमको बहुत लाइक आने वाले दिनों में एक अच्छा कैरेक्टर हमको मिल गया था वो मूवी से, वो था वसूली भाई का। उससे जो मुकेश तिवारी जी बहुत फेमस हुए थे, वो जो कैरेक्टर वो संजय दत्त का निभा रहे थे, इंस्पायर्ड था वो सीन। एंड वो जो कैरेक्टर था वसूली भाई, वही से बहुत फेमस हुए थे, आज तक हम उनको नाम से पहचानते हैं। जबकि वो एक्चुअली हंसी का चीज ये है कि मुकेश तिवारी जी जब डेब्यू किए तो एज ए विलेन आए थे, जबरदस्त किए थे चाइना गेट, तो बहुत ही अच्छा एक्टर है। तो हमको बहुत सरप्राइजिंग था एक्चुअली वो देखने के लिए। एंड गोलमाल जो 1 भी हमारा देखने का भी दोस्तों एक्चुअली बहुत ही लाइक बोल सकते हैं आप इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन हमने लिया था मूवी देखने के लिए। हमको मालूम भी नहीं था एक्चुअली ऐसा कुछ मूवी आया था हम देखने के लिए। हम ऐसी शायद दिवाली के टाइम था दोस्तों, हम ऐसी अपने हमारे फ्रेंड्स लोग के साथ घूम रहे थे कोई एक मार्केट प्लेस में, एंड सामने कुछ समझ नहीं आता क्या करेंगे, मुझे लगता नहीं कि हम कोई मूवी भी देखने वाले थे। हम तो वैसे ऐसे ही टहल रहे थे दोस्तों, और सामने हमको सडनली थिएटर दिखा, क्या करेंगे, बोर हो रहे थे, हमको वो थिएटर में गोलमाल दिखा। हम बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्टेशन के साथ ये मूवी नहीं देखे थे, हम बस ऐसे ही चले गए थे। एंड वाकई जो हम डिसीजन लिए थे बहुत ही अच्छा था, बहुत हंसी थे हम ये मूवी देखने के लिए, बहुत हंसी आया था हमको, हम जो फ्रेंड्स थे बहुत अच्छा एंजॉय किया था, क्योंकि हमारा वन ऑफ द मेमोरेबल टाइम था वो दोस्तों। तो दोस्तों वही मूवी से एक और सीन हमने पिक किया है जिसमें अब वसूली भाई हमको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हैं, ये सीन देखते और अपना रिएक्शन देते हैं, आइए दोस्तों। ऐसे काम निकाल रही है, वसूली के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोल यार, काफी उधार बाकी है, तुलसी और पार्वती का रो रो के मैंने गाड़ी उधार में लिया, मालूम है क्या? तू तो तेरे को तो मालूम है ना कौन है वो? एक काम कर, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। तेरे पास पैसे नजर आए बोलते वसूली को दे देते, कुछ भी बोल यार। वसूली को पैसा देंगे तो खाएंगे क्या? शराब कैसे पियेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो कैसे देंगे? जीना छोड़ दे, चार कटिंग बना और मेरे लिए एक नाक कटाई, पैसा हरे कलर का होता है उसके ऊपर गांधी जी की फोटो होती है, चल चाय बना, चल चल पैसा दे, पैसा आज तक दिया कभी नहीं, फिर क्यों मांग रहे हैं? उधार बंद है, तेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया? नहीं बनाता हूँ शर्म कर, क्या उम्र है तेरी और तू ललिता पवार को देख रहा है? नीचे देख रहा हूँ। अबे नीचे नहीं, ऊपर देख। ओए ललिता पप्पी बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। तुम लोग रुको, मैं बना क्या तुम्हें? ओए मुझे भी भाभी बना, जाने दे उनको, बॉम्ब के कुएं में जा रहे हैं वो, देख वसूली। अच्छा पहले देख, कुछ नहीं देख रहा वाला।
ये देखिए करोड़ों की बात करो छुट्टा जमा करो कैसी बातें करते हो अजीब लगता है वही पर्सनालिटी आपकी थोड़ी सी उसकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप सीखा तो मजा आ जाएगा जैसे ये सर्किट मेरे को जाने की झुकी दे रहा अपन को भी वो जादू की झप्पी देना वो था ना वॉकिंग की स्टाइल वाइल बॉडी वॉडी तो आपकी फर्स्ट क्लास है वो सिखाओ मैं बताओ बताओ ये नहीं हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने नहीं यार क्या कर रहे हैं आप ऐसे नहीं एक पर्सनैलिटी है यार स्टाइल है एकदम हीरो टाइप चलना सिखाता दौड़ना सिखाता फिर उसकी बात समझ उसमें अच्छा था वो याद आई सरमन जोशी का जो कैरेक्टर बहुत बोला वाला रहता तो ना वो चारों में सबसे वो सही बदमाश वही है वो बोलता है ना पैसा देना है तो वो बोलता है बड़ी मुश्किल से पार्वती तुलसी बन के पैसा रो रो के लेके देने की बात करता है वो बोलता है अगर हम दे दे तो जुआ कैसे करेंगे दारू कैसे पियेंगे लड़की पे खर्च कैसे करेंगे वो अजय देवगन वाला जबरदस्त रहता है कैरेक्टर पूरा उनको और ऐसी याद है अरशद वारसी अमिताभ पते जा तुषार कपूर तो बोल नहीं सकता वो करके एंड मुझे जितना याद है शायद गोलमाल वन के लिए शायद तुषार कपूर को ये मिला था बेस्ट कॉमेडियन मुझे जितना याद आ रहा है शायद वन या टू के लिए मुझे जितना वन ही याद आ रहा है तुषार कपूर को बेस्ट कॉमेडियन मिला था कोई अवार्ड फंक्शन में बहुत मजा आया दोस्तों एंड वसीली भाई तो वसीली भाई है वो सीन जब चाय वाला अच्छा लगा भाई है ना पैसा उधर कभी जो दिया है हम जो आलमा राजू ईरानी से बात किया है बात कर लिया है पैसे करोड़ों के डील बात चल रहे है आप चिल्लर जमा कर रहे हैं सच में अच्छा था वो है ना उसको बेचारा को सिखाते चलाना चलाना सिखाते खेल लगा रहा था ये सरकी जादू की जप्पी देना वो होता है सरकी मुझे भी वो वाली जप्पी देना वो वाली जप्पी सिखाते हैं चलना सिखा रहा है दौड़ना सिखा रहा है मजा आता दोस्तों ऐसे छोटा छोटा सीन इसमें बहुत अच्छा अच्छा है देखने लायक कमाल का है सब सीन में सब बहुत मजा आया देखने के लिए होप दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा लगा हो सीन हम ट्राई करेंगे ये मूवी से और भी अगर आपको कॉमेडी सीन्स मिलता है तो आपके साथ शेयर करके रिएक्शन देने के लिए तो ठीक है फिर अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय।